ये कैल्क सॉफ्टवेयर है, क्या आपको पढ़ना है, कैल्क ही पढ़ना है, ठीक है। कैल्क बनता है रो और कॉलम से, तो ये कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसे रो कहते हैं, ये रो है, ये रो है, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम है, ये भी क्या है, कॉलम है, तो ये लाइन से सब वर्टिकल में कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल में रोज है। तो अब इसमें फॉर्मूला एक समझना है मॉड का, कौन सा फॉर्मूला, मॉड। तो मॉड कैसे यूज होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो मॉड क्या होता है, तो यहाँ देखिए मॉड लगा रहा हूँ, एमओडी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एमओडी है, ठीक है। तो मॉड में सबसे पहले डिविडेंट आता है, तो डिविडेंट ये लिखा मैंने, और फिर डिवाइजर आता है, तो ये डिवाइजर है आपका, और इसको बंद करेंगे तो ये बताइए कि 5 में 3 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 5 में 3 से भाग दीजिए शेष कुछ बचेगा, 2 बचेगा। तो यहां पे देखिए ये एरर आ रहा है, और ऐसी एरर ओपन ऑफिस कैल्क में आती है, ठीक है, क्योंकि एक्सेल आप यूज करेंगे तो एक्सेल में ये एरर नहीं आएगी। देखिए मैं दिखाता हूं, ये कैल्क है ओपन ऑफिस इसलिए ऐसी एरर आ रही है, ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसी एरर नहीं आएगी। अब ये एरर क्यों आती है, इसके पीछे का रीजन है, जैसे ये यहां पर वही चीज मैं करता हूं, ये 5 है ये 2 है, तो यहां पर आप देखिए यहां पे मॉड का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, इक्वल टू के निशान से, ठीक है, कभी भी स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से, तो इक्वल टू के बिना फॉर्मूला कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। तो इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा डिवाइजर को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये डिवाइजर हो गया। अब यहां पर ये एरर नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे 1 आ रहा है। अब 1 आने के पीछे का रीजन समझिए, मैं आपको बताता हूं कि 1 क्यों आ रहा है यहां पे, ठीक है, ये 2 है और ये 5 है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा और शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, यही यहां पे 3 रहता तो यहां पे शेष 2 बच जाता, देखिए आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर ये एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर क्यों एरर आ जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो है कॉमा यूज नहीं होता है। देखिए हमने क्या किया है, कॉमा दिया हुआ है, देखिए कॉमा है ना, यहां पर आपको क्या करना है, सेमी कॉलन देना है, क्या देना है, सेमी कॉलन, ये देखिए ये है ना, ये वाला बटन, ये ठीक है, ये दबाया, देखिए कैसे आया है, अब जब एंटर करिएगा तो यहां आंसर आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये ओपन ऑफिस में और कैल्क में और एक्सेल में डिफरेंस होता है, तो यहां पर सेमी कॉलन यूज होता है, ठीक है, और वहां पर क्या यूज होगा, कॉमा ही यूज होगा, ठीक है ना, समझ आया बात। अब मॉड जो है अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है कि 7 है और ये 9 है, ठीक है, तो आप भाई 7 में 9 से तो भाग दे नहीं सकते हैं, लेकिन तभी भी मॉड फॉर्मूला अगर यूज होगा तो ऐसे में क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे मॉड लगाया। अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर कर देता हूं 7, तो ये हो गया डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड माने जिसमें भाग देना है, और डिवाइजर माने जिससे भाग जाएगा। तो अभी ऐसी स्थिति में क्या आंसर आएगा, क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं क्या आंसर आएगा, बताइए, 2 नहीं आएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए या तो 7 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है, तो दोनों में से एक देखिए 7 आएगा, तो कम वाला हमेशा आएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं करता हूं, करके दिखा रहा हूं, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर है 97, ठीक है, और 97 में 100 से डिवाइड करना है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा भाई, अगर यहां पे मॉड लगाता हूं मॉड, तो डिवाइड करने के बाद कुछ शेष तो बचेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये डिविडेंट हो गया, सॉरी ये डिविडेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइजर देखिए इस तरीके से, ये हो गया आपका डिविडेंट, एक मिनट इसको हटाइए पहले, ये हो गया आपका डिविडेंट और ये हो जाएगा डिवाइजर, तो यहां तो सेमी कॉलन ही लगेगा। तो अब 97 में तो 100 से भाग जाएगा नहीं, जो बड़ा वाला नंबर है, तो जो छोटा वाला नंबर है वही आपका आएगा, बड़ा वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसा मान लीजिए यहां 101 है, ठीक है, और यहां है क्या, यहां है 5, ठीक है, तो 101 से 5 में तो भाग, ये यहां है 101 से, तो 5 में 101 से भाग नहीं जाएगा, तो ऐसे में क्या आएगा, 5 आ जाएगा आंसर, देखिए आ रहा है, ठीक है। फिर करके दिखाता हूं, देखिए यहां पर फिर मॉड लगाया। अब मान लीजिए 201 है, ठीक है, 210 है, या 211 कर देते हैं, 211, ठीक है, 211 में 311 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहां देखिए 411 से दे रहा हूं, सॉरी 211 आंसर आएगा, छोटा वाला नंबर आंसर आएगा, ठीक है ना, समझ आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं प्राइस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ PRICE प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर आकर के क्या करता हूँ, यूनिट कर देता हूँ, UNIT यूनिट, और यहाँ पे आकर टोटल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस टोटल को हटाइए, ये यहाँ पे आ गया है, इसको इस वाले सेल में करेंगे तो ये टोटल हो गया, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो कॉपी करेंगे तो पेस्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्राइस आएगा। तो लेकिन अभी हमारा सवाल ये है कि अगर हमको इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है तो किस पे रख के, कौन से हेडिंग पे रख के इंसर्ट कराएंगे। इसे राइट क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट आ रहा है ना, इसी तरीके से इस पे रख के कराएं, ए वाले पे कि बी वाले पे। तो ए वाले पे कराएंगे तो ये देखिए ये इंसर्ट करें,
तो यहां इधर इंसर्ट हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बीच में कराना है तो कौन से पे रख के कराएं, तो b वाले पे करेंगे ना। ये देखिए यहां पे बीच में इंसर्ट हो जा रहा है ना, तो b वाले पे रख के करेंगे, लास्ट वाले पे रखेंगे तभी बीच में इंसर्ट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इस पे बहुत गौर करिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक ड्रॉप डाउन बनाना सीखेंगे। ड्रॉप डाउन बनाया है कभी? मैं बता देता हूं कैसे ड्रॉप डाउन बनेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, जितने एरिया में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से माउस से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप माउस से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इतने एरिया में हमको ड्रॉप डाउन चाहिए भाई, या तो हम एक एक करके प्रोडक्ट का नाम लिखें या तो कोई ऐसा टेक्निक आजमाएं जिसमें हमको ड्रॉप डाउन मिल जाए। ड्रॉप डाउन मैंने ऊपर से सेलेक्ट करें तो उसमें आ जाए सारा नाम, समझ रहे बात को। तो यहां से जाएंगे, इतना सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इतने ही एरिया में हमको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो डेटा टाइप पे जाएंगे। ये डेटा दिख रहा है, इसको मेन्यू बार कहते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये ऑफिस बटन है, ये मेन्यू बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है। क्या है ये नेम बॉक्स? किधर होता है? फॉर्मूला बार के, ये फॉर्मूला बार है, तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट होता है कि राइट होता है? लेफ्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि नेम बॉक्स के किधर होता है फॉर्मूला बार, तो राइट में होता है। नेम बॉक्स के फॉर्मूला बार राइट में होता है, लेकिन फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हमको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आगे हम डाटा टाइप पे, यहां से डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहां से लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करके क्या करेंगे, यहां पर लिस्ट बनाएंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हम मस्टर्ड ऑयल लिखते हैं, मस्टर्ड ऑयल माने सरसों का तेल, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर माने हाँ लाल मिर्च, ठीक है। तो ये हो गया, कॉमा दे दे के करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे चिली पाउडर करेंगे, सी एच है, एच यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब रेड चिली पाउडर के बाद अगला कर देते हैं, लाइक यहां पे लिख देते हैं बेसन, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसे इसी को हिंदी में करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए हमारे पास एक टेक्निक है, देखिए ये जो है ना, यहां पर हमने गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड किया है, ये हिंदी कर देंगे ना तो देखिए ये हिंदी में इंसर्ट होगा कैसे। देखिए यहां पे लिख देता हूं सरसों का तेल, तो देखिए जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आ जा रहा है, ठीक है। यहां कॉमा लगा दिया, फिर यहां पे दूसरा नाम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं धनिया पाउडर, धनिया पी ओ डब्ल्यू डी ई आर, धनिया पाउडर आ गया, ठीक है। मिर्ची पाउडर एम आई आर सी एच आई, मिर्ची पाउडर पी ओ डब्ल्यू डी ई आर पाउडर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड तेल, ठीक है। तो रिफाइंड तेल हो गया, कॉमा लगा दिया। इसी तरीके से बिस्किट, बिस्किट हो गया, बिस्किट हो गया, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, ठीक है। आप चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जिसमें चाहे। अब मान लीजिए चावल की बात करें, तो ये हो गया चावल, तो ये हो गया चावल, ठीक है, हो गया ना। इसी तरीके से और भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं और यहां से ओके करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। आप यहाँ से सरसों का तेल ले लीजिए, फिर यहां से जाइए, ये धनिया पाउडर हो गया, यहां से आप चूज कर सकते हैं, अच्छा है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये जो है रिफाइंड तेल, अब इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, दोनों में लिख सकते हैं। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, कृति फॉन्ट या मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग नहीं आता है, तो भी आप लिख सकते हैं। एक गूगल इनपुट टूल फ्री में गूगल पे मिल जाएगा आपको, और वहां से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आप आसानी के साथ काम कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखें चावल के बाद भी कुछ है, यहाँ से चेक कर लेंगे, तो अब नहीं है कुछ, तो इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे प्राइस डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप इसको चेंज कर लेते हैं, अब क्योंकि हमको प्राइस यहाँ पे लेके आनी है, तो इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं, और यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ पे प्राइस डालेंगे, जैसे सरसों के तेल की प्राइस है मान लीजिए 130 रुपए लीटर, तो ये देखिए यहाँ पे रुपया वाला साइन नहीं आ रहा है, ठीक है। धनिया पाउडर की प्राइस है यहाँ पे देखिए 250 ग्राम या 1 किलो का मान लीजिए पैकेट है, तो 400 रुपए प्राइस है, ठीक है, 1 किलो का। मिर्ची पाउडर का है 250 रुपए, ठीक है। और रिफाइंड तेल का है कितना, 160 रुपए, ठीक है। बिस्किट का कितना है, 30 रुपए, ठीक है। तो यहाँ 30 कर देते हैं, एंटर करेंगे। चावल का कितना है, 40 रुपए किलो। तो ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन यहाँ रुपया नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, और यहाँ से जो जनरल दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए करेंसी फॉर्मेट दिख रहा है, बस यहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। कई बार नहीं आता है, फिर भी नहीं आता, इतना करने के बाद भी नहीं आता है, तो यहां से आकर के आपको इंग्लिश इंडिया चूज करना है, ये वाला। तो जैसे ही करेंगे ना, तो ये इंडियन फॉर्मेट में आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए कितना खरीदा, सरसों का तेल 5 लीटर खरीदा, तो यहाँ 5 लिख दिया।
धनिया पाउडर 1 किलो खरीदा तो यहां 1 लिख दिया, मिर्ची पाउडर 2 किलो खरीदा तो यहां 2 लिख दिया, रिफाइंड तेल 10 लीटर परचेस किया तो यहां 10 लिख दिया, ठीक है। बिस्किट अगर 5 पैकेट खरीदा तो यहां 5 लिख दिया, चावल अगर 10 किलो या 50 किलो खरीदा तो यहां 50 लिख दिया। अब हमको टोटल करना है तो देखिए बिना इक्वल टू के तो फार्मूला स्टार्ट होगा नहीं, तो इक्वल टू लगाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए प्राइस को, सिर्फ एक को करना है बेटा। इसका सेल एड्रेस क्या है देखिए B2, तो यहां पे आप B2 टाइप भी कर सकते हैं या इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से B2 टाइप कीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और यहां से इसको ओके करिए और एंटर करिए, देखिए ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, समझ में आ गई पूरी बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत है, ठीक है।